सो हेलो एवरी वन हाउ यू ऑल आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के व्यू इस बात में कि यहां आती है मुस्कान को सरप्राइज देने के लिए आधी रात में उसके घर आ जाती है जिसे देखे मुस्कान तो बहुत ज़्यादा खुश थी आधी मुस्कान के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे जिन्हें वो मुस्कान को दे दिया मुस्कान कह दिया कि आदिया मैम मुझे ये सारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए क्योंकि मेरा गिफ्ट तो आप हो ना आप आ गए ना मुझे कुछ नहीं चाहिए बट आधिया हम मुस्कान को किस कर दिया कह दिया मेरे पास चले तो मैं तो दुनिया की हर एक चीज़ आपके कदमों में ला के रख दूँ क्योंकि मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ इस पर मुस्कान हंसते हुए आदिया को हक करती हूँ क्योंकि आई लव यू सो मच आदिया मैम शो आत द बेस्ट और ये बोल के आधिया के चीक्स पे किस किसके लेती हैं मुस्कान जिस आते आते हंसने लगती हैं फिर याद ही बे डे मिनट वैसे कुछ और भी था मुस्कान बताइए अब क्या तब तो यादिया आप अपने बैग से फ्लाज निकालते अच्छे नहीं वो मुस्कान के लिए लाए थी यादिया बहुत प्यार से मुस्कान को वो हिला देती हैं और मुस्कान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है उसके माँ ये दोनों तो हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के पास बैठे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे तभी मुस्कान नादे को बोलते हैं कि अच्छा आपने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं हाँ ये तो गलत है ना अधियापति अरे अगर बता दी थी, थी मेरी जान तो ये सरप्राइज प्राइज़ थोड़ी रहता उसका अनुभव वो भी है अच्छा भाई तभी आपके मोम डैड ने कैसे आने दिया हाँ अधियापति वो ऐसे कि मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ अधियापति आई नो मैंने गलत किया राइट उसका अनुभति यस आपने बहुत गलत किया आधे पति पति सो के ना वैसे भी मैं चली जाऊँ मोम डैड को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहीं गई भी थी उसका मत क्या मतलब आप चली जाओगी हाँ आधे पति वो एक्चुअली मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है और मैं सीधा ऑफिस चली जाऊँगी एंड मोम डैड को बोलूँगी कि मैं ऑफिस जल्दी चली गई थी बस आधे ब... ये बस उनके मुस्कान एकदम अपसेट हो जाती है आप कुछ घंटों के लिए मेरे पास आयो आधे एम सॉरी चाहना तो मुझे पड़ेगा ना मैं मम डैड को दुखी नहीं कर सकती मुस्कान इट्स ओके आई कैन अंडरस्टैंड आप मेरे पास आ गए मेरे लिए यही बहुत है मुस्कान ही तो के बस आदिया को हक कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके टाइटली हक करके बैठे थे यहाँ आदिया का मन नहीं कर रहा था कि वो मुस्कान से दूर हो ना ही मुस्कान का मन कर रहा था ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी पाँव में के बैठे थे और काफ़ी देर तक तो ऐसे ही बैठे रहते हैं वहाँ दूसरी तरफ मैंने मैंशन किया था कि काजल पाल के रूम में थी जिसके बारे में मुस्कान और आदिया को नहीं पता था यहाँ काजल पायल को हक करके लेटी थी और कह दिया कि बस कुछ दिन और उसके बाद हम ऑफिशली कबल्स हो जाएंगे फिर मुझे इस तरह रात को छुप छुप के आपके रूम में नहीं आना पड़ेगा फिर मैं पूरे हक़ के साथ आपके रूम में रह सकती हूँ राइट जिसमें पायल हंसती हुई थी अच्छा जी मेरे रूम में या मैं आपके रूम में रहूँगी काजल बोती मोम डैड का तो पता ही ना शायद मुझे यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा इसमें पायल हंसती है मोस्ट वेलकम वैसे घर आपका भी तो है ना और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं वेल यहाँ पे पायल और काजल के बीच तो सब सही जा रहा था काजल और पायल जो चाहती थी फाइनली वही हो रहा था इन दोनों की जल्दी शादी होने वाली थी इट्स मेन कि इन दोनों की ये दूरियाँ बहुत जल्द ख़त्म होने वाली थी पर वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आदियाँ उन दोनों की तो दूरियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी यहाँ आधिया जब तक तो मुस्कान के पास थी मुस्कान बिल्कुल नहीं सोती वो बस आधिया से के किसी स्लीपट की उससे बातें करती रहती है और आधिया भी मुस्कान से बातें करती रहती है और अब देखते ही देखते सवेरा होने को आया था यानी आदिया की फ़्लाइट का टाइम भी होने वाला था मुस्कान उठ के बैठ जाती और आधिया भी आधिया बस मुस्कान को देख रही थी और मुस्कान आदिया को देख रही थी इन दोनों के हाथों में हाथ थे और ये दोनों बस जितना एक दूसरे को जी भर के देख सकते थे उतना ये लोग देख रहे थे तभी आधिया के मोबाइल पर अलार्म बजता इट्स मीन कि अब उसे निकलना पड़ेगा आधिया बोधी बेबी आई आई हैव टू गो मुस्कान बोधी थोड़ी देर तो ठहर जाऊँ आधी बोधी फ्लाइट मिस तो हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी मस्कान वती ठीक है मैं भी आपके साथ आऊँगी आदिया वती अरे उसकी कोई नहीं है इतनी अर्ली मॉर्निंग में वापसी पे आपको बहुत इशू हो होगा घर आने में इट्स ओके okay, ना आई कैन मैनेज मस्कान वती प्लीज़ क्या थोड़ा टाइम है और आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ प्लीज़ क्या मैं आपको छोड़ने आ सकती हूँ जिस पे आदिया मान जाती आदिया जल्दी से अपने लिए एक कैब ऑर्डर कर दिया और कैब जल्दी से बाहर आ जाती है ये दोनों हाथों में हाथ डाले गाड़ी में जाके बैठते जब लोग गाड़ी में बैठ के बैठे थे तो आधे बोते आप इतने सारे बैग के साथ आई थी खाली वाह जो जा रहे हो अब सामान भूल गयो मैं लेके आती हूँ आधे बती हेलो उसमें मेरा कोई सामान नहीं था मेरे जाना उसमें सारा आपका सामान था और पायल और काजल के लिए भी कुछ गिफ्ट थे जिसमें उसका अनुपति इतना सारा सामान हमारे लिए आपका कुछ नहीं आधे बती क्यों जो मेरा है वो आपका है ना उसकी अनुभव बट फिर भी आधे होती चुप मुझे लेट हो रहा है भैया जल्दी से ड्राइव करो तो वो थे ओके मैडम वो गाड़ी चला था और ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे मुस्कान ने आदिया का हाथ थामा हुआ था आदिया मुस्कान के फिंगर्स को यूँ टच कर रही थी उसके फिंगर्स के साथ खेल रही थी आदिया आधिया है कि क्या हुआ मुस्कान बोती क्या आप रुक सकते हो प्लीज़ आदिया बोती बेबी प्लीज़ ट्रैंक टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ना मैं तो खुद झुकना चाहती हूँ बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है नहीं चाहती वो मुड को पता चले अंदर वो अपसेट हो जाए मैं उन्हें भी अपसेट नहीं कर सकती मुस्कान बोती इट्स ओके कोई बात नहीं आधिया बोती मैं सेलिब्रेट करना चाहती थी पार्टी रखना चाहती थी पर हम कुछ नहीं कर पाए मुस्कान बोती आपने जितना टाइम मेरे साथ स्पेंड किया वो बहुत प्रेशियस था मेरे लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए और इसके बाद मुस्कान आधिया चिक्स पे किस कर दिया बोती क्या कर करी हो ड्राइवर है मुस्कान आई नो तभी तो चिक्स पे किस किया अच्छे से आधे मुस्कुरा आती है वेल well, थोड़ी देर की तरफ के बाद एयरपोर्ट आ जाए और यहाँ आधे और मुस्कान जब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो बेचारे मुस्कान के दिल की धड़कने बढ़ी हुई थी मुस्कान को बहुत बहुत ज़्यादा खराब फील हो रहा था क्योंकि अब कुछ ही देर में आधे उसे तो जो होने वाली थी वेल well, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होनी थी तो इसलिए आधे मुस्कान को बोलती है कि बेबी आप एक काम करो अब वापस लौट जाऊँ मुस्कान साहब मना कर देती थे कि जब तक आप नहीं जाती मैं कहीं नहीं जा रही आधे बती मैं जा रही हूँ ना अभी एक मिनट में मुझे लोग रुक अंद करेंगे मुझे देख भी नहीं पाओगे फिर क्या फ़ायदा हाँ मेरे बोल क्या गया मुस्कान को किस कर दिया उसे हक़ कर दिया गया लव यू सो मच चलो अब जाओ जल्दी से मुस्कान भती प्लीज़ मुझे पाँच मिनट और रुकने दो प्लीज़ आधे बेद। बती पे भी बट मुस्कान भती प्लीज़ ना आधे बती ठीक है ओके okay. अच्छा लिसन वो जिसके हमें में हम आए थे मैंने उससे बात कर लिया okay? है वही आपको घर ड्रॉप करेगा ओके उसका अनुदी हम ठीक है और आदिया का वंदा जाना था आदिया मुस्कान को हक कर दिया मुस्कान आदिओं को इतना डाइटली हक कर रही थी ना कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी अनाउंसमेंट हो रही थी आधे होती फिर प्लीज़ मुझे छाना पड़ेगा तो मुस्कान ये पीछे हो जाती है मुस्कान की आंखें नम थी ये देखिए आदिओ को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था आदिया तुरंत मुस्कान के आंसू पहुँचती है और कहती है हे ही फिर भी प्लीज़ जॉइन कराया ना अगर आप इस तरह रहोगे तो मैं कैसे जा पाऊँगी प्लीज़ मुझे हंसते हंसते बाय बाय करो ना तो मुस्कान फिर एक फेक स्माइल के साथ आधिया को बाय कर दिया उसके बाद आधिया अंदर चली जाती है और मुस्कान उसी कैब में आके बैठ जाती है वो कैब ड्राइवर मुस्कान को उसके घर ड्रॉप करता है एंड तो देन वो वहाँ से चला जाता है यहाँ मुस्कान घर आके बहुत ज़्यादा अपसेट थे यहाँ पायल जो उठ चुकी थी इसलिए वो मुस्कान और आधिया को देखने के लिए आई थी रूम में पर वो देखते हैं मुस्कान रो रही है जिस पर पालपती मुसू क्या हुआ मेरे जान तो रो क्यों रही है सब सब ठीक तो है ना यहाँ पे पहल थोड़ी पैनिक हो और तो थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं जिससे काजल डर जाती कि पता नहीं क्या हो गया वो दौड़ के आती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ और मुस्कान कहते काजल मैम आप इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो कहा बताती वो ये 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 अब बस बस अभी मुझसे मिलने आई थी उसके बता अब झूठ बोल रहे हो मतलब कहा जब मैम रात भर आपके पास थी आपके रूम में तो कहती नहीं खा तुम तो अभी आई हो ना काज हाँ मैम मैम मैं, मैं, मैं अभी आई उसके बाद फिर से मुझे छोड़ के चली गई बोल बच्चों की तरह रोने लगती हक घट गई थी चुप 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 कहाँ गई आधी इतनी सुबह सुबह जब मुस्कान होते हुए सब बता देती है जब काजापति वाट आधिया चुपट कहेंगे आई और हमें मिले बिना चली गए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं मुस्कान पति उनकी गलती नहीं है आपने नहीं बताया था कि आप मेरे घर आप, आप चुट्य होती थी आप भी चोटी हो मुझे अब तो उन्होंने बात नहीं करनी अरे ऐसे ही रोने लगती है तभी काजापति वाह इतने सारे ये तो गिफ्ट ये किसके हैं जो काजल ऐसे बोल के गिफ्ट बुक्स को हाथ उठा लगा दिया था मुस्कान उसके हाथ से खींचते हुए ये मेरा है। इसको चुना मत खा जाती इतने सारे गिफ्ट है हाँ। और फिर भी लड़की बैठ कर हो रही है अगर मुझे कोई गिफ्ट दे तो भाई मैं तो खुशी के मारे नाचने लग जाऊँ जैसे तो मुस्कान बोलती थी। ठीक है तो नाचिए और इतना बोल के गिफ्ट जो है वो दे देती दे है काजल को जो आधे काजल के लिए लाए थी खाजा होती ये क्या तुम अपने गिफ्ट मुझे क्यों दे रही हो जिसपे मुस्कान बता है गिफ्ट मेरे नहीं है नाम देखिए इन पर आपका नाम लिखा हुआ अरे मैम आपके लिए भी गिफ्ट लाए थे दीदी ये लोग आपके लिए भी लाए थे अब आप दोनों चाहिए मुझे अब दोनों से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप दोनों झूठे हो तो मुझे झूठ बोला और ऐसे बच्चों की तरह लगने लगती है तभी पायल व वहाँ कर दिया मुस्कान को दिया अच्छा अच्छा अच्छों के शांत हो जा शांत हो जा मेरी बहन शांत हो जा यहाँ दूसरी तरफ आदिया जब वो प्लेन में बैठी थी तो मुस्कान को बहुत मिस कर रही थी एक पल के लिए तो आदिया का मन करता कि वो प्लेन से उतर के बस भाग जाए पर वैसे बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि आदिया को मुस्कान के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना था पहले यहाँ आदिया के लिए वो कुछ घंटे जो प्लेन में थे वो बहुत मुश्किल से करते हैं और जैसे ही प्लेन लैंड होता है आदिया तुरंत सबसे पहले मुस्कान को वीडियो कॉल करती है मुस्कान का चेहरा देख के आदिया को थोड़ा सा सुकून मिलता है यहाँ आदिया एक टैक्सी लेती है और ऑफिस की तरफ जा रही थी और रास्ते में वो मुस्कान से बात कर रही थी जिसकी वजह से आदिया का मूड पर काफ़ी अच्छा हो गया था आदिया मुस्कान को सॉरी बोलती है क्योंकि वह मुस्कान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई पर मुस्कान के तेज सो के कोई बात नहीं आधे बोती आपने मेरे बाकी गिफ्ट खोले मुझकान मत टाइम ही नहीं मिला सॉरी आधे बोलती हो आप एक्साइटेड नहीं थे ना मेरे गिफ्ट खोले कि मैंने आप खोल दी जाओ आज के बाद मैं आपको कभी कुछ नहीं दूंगी मुझकानी ऐसी कोई बात नहीं मैं बस थोड़ी अपसेट थी आधे बती है और बी अपसेट मैं हमेशा आपके पास हूँ राइट एंड आई लव यू तब ये आदि ऑफिस आ जाते हैं आदि हाँ बेबी मैं ऑफिस आ गया मैं बाद में बात करती हूँ ओके बाय आधिया एकदा बोल के ऑफिस में चले जाते है यहाँ मुस्कान आधिया के सारे गिफ्ट्स पेड पे रखती है और भारी बारी खुलने लगती हैं आधिया के सारे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा प्रेशियस थे और उन गिफ्ट में एक गिफ्ट जो मुस्कान को ज़्यादा अच्छा लगता है वो था कि एक कैमरा उसे जैसे ही वो खोलते हैं उसमें एक नहीं बल्कि दस वीडियो रिकॉर्ड होती है जो कि आदिया ने मुस्कान के लिए ही कर रखी थी हर एक वीडियो जो है वो एटलीस्ट फाइव मिनट की थी और उसमें आदिया ने मुस्कान के लिए ढेर सारी प्यार भरी बातें बोली थी जिसमें उसने ये भी बोला था कि आई नो मेरे मेरे जाने के बाद आप बहुत अपसेट होगी पर कोई ना अपसेट मत होना मैं आपकी नज़रों से दूर हो सकती हूँ आपके दिल के तो हमेशा पास रहूँगी ना राइट और वैसे भी मैंने है दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतना ही ज़्यादा प्यार भी बढ़ता है और हमारा प्यार हमेशा बढ़ेगा कभी कम नहीं होगा और ये वीडियो तो मुस्कान को बहुत अच्छी लगती है वो बार बार इस वीडियो को प्ले करती है और उसे सुनती है उसके बाद एक और वीडियो थी जो बहुत अच्छी थी और वो वीडियो देख के मुस्कान एकदम शॉक गई थी क्योंकि आदिया ने उसे कुछ भी नहीं बताया था एक्चुअली मैं यहाँ आने से पहले ही आदिया मुस्कान की इस खुशी सेलिब्रेट कर चुकी थी यानी उसकी सक्सेसफुल पार्टी वो ऑलरेडी खुद ही मना चुकी थी उसने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ था हर चीज़ डेकोरेट थी वहाँ केक रखा हुआ था कंग्रेचुलेशन मुस्कान लिखा हुआ था लव यू मुस्कान लिखा हुआ था बहुत सी चीज़ें थी जो कि आदिया ने मुस्कान के लिए सब अरेंज कर रखी थी, थी। ये देख के मुस्कान बहुत खुश थी आदिया मुस्कान से दूर होकर भी उसकी खुशी सेलिब्रेट करी थी ये चीज़ मुस्कान को बहुत अच्छी लगती है सारी वीडियोज़ देखने के बाद आदिया तुरं मुस्कान सारी मुस्कान तुरंत दादियों को कॉल करती और उन्हें थैंक यू बोलती फिर उनसे प्यार से बात करने लगती है आदिया भी बहुत खुश थी पहले लादिया ने जिस तरह अपने पेरेंट्स को खुश किया शाह मुस्कान को भी खुश किया ये सच में बहुत अच्छा था यहाँ आदिया के डैड आदिया को कॉल करते हैं कि तुम तो कहाँ वहाँ घर पर क्यों नहीं हो सॉरी डैड मम्म जल्दी ऑफिस आ गई थी कुछ काम था ना उसके लिए ओ, तो ओ अच्छा तो तुम ऑफिस हो हमें लगा कि आधिया बती आपको लगा मैं फिर से घर छोड़ के चली गई क्या डैड कुछ भी आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी हूँ रिलैक्स उसके डायरेपय नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था पर तुम्हें ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए था आदिया भती डोंट वरी डैल मैं ऑफिस में कर लूँगी अच्छा मुझे बहुत काम है मैं रखती हूँ बाय घर आके आपसे अच्छे से बात करूँगी आधियत बोल के कॉल कट कर देती है फिर वो एक प्यारी सी स्माइल देती है आदिया बहुत खुश थी थोड़ा टाइम ही सही पर मुस्कान के साथ टाइम स्पेंड करके उसे बहुत अच्छा लगा था और ये करने के लिए उसे इस बार अपने मॉम डैड को हर्ट भी नहीं करना पड़ा इसलिए आदिया बहुत ज़्यादा खुश थी पहले आप लोगों को आद्या की ये समझदारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आई नो आज वीडियो कुछ ज़्यादा ही छोटू सी हो गई है पर मेरे गले की हालत आप लोग के सामने है यार मेरे से बोला तक नहीं जा रहा और इतना पेन हो रहा है ना बोलते हुए कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती तो आई एम सो सॉरी आज के लिए इस छोटी सी वीडियो को इंजॉय करो इन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए उसके बाद मैं लॉन्ग सी वीडियो अपलोड करूँ ओके दिन टाटा बाय बाय and take care